तो उन्हीं के साथ कुछ छोटा मोटा हो गया था एंड इट लाइक वेंट ऑफ फॉर अ वेरी लॉन्ग ओ दैट्स अ लॉन्ग टाइम बैक आई थिंक कॉलेज में था कॉलेज वक्त बैगी जीन्स का बड़ा फैशन था या दैट वाज माय मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई स्टिल रिमेंबर सेकंड लाइन के बाद ही सर आई कांट डू इट एंड आई जस्ट लेट इट गो आई वाज लिटरली मॉब्ड हाय गाइस मैं हूं शिजान खान और टेली चक्कर के साथ खेलने जा रहा हूँ वो पहली बार व्हेन यू हैड प्रोफेशनल फाइट विद समवन That was a tricky one, but हाँ काफ़ी टाइम पहले हुआ था मतलब आई थिंक प्रोफेशनल फाइट तो कसौटी के सेट पर ही हुआ था विद वन ऑफ माई डायरेक्टर्स आई थिंक हम दोनों ने एक चीज़ पे अग्री नहीं किया था एंड वी हैड अ स्मॉल ऑल्टरकेशन ऑन दैट तो वो काफ़ी चलता रहा एक्चुअली कसौटी पे भी नहीं आई रिमेंबर ये मेरे साथ हसरत में हुआ था विथ माई डायरेक्टर सॉरी तो उन्हीं के साथ कुछ छोटा मोटा हो गया था एंड इट लाइक वेंट ऑफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन ही सेड कि ठीक है यू नो इट जस्ट गॉट सेटल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बट या दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट्स वो पहली बार व्हेन यू बाइट सम ब्रांडेड स्टफ फॉर योरसेल्फ ओह दैट्स अ लॉन्ग टाइम बैक आई थिंक कॉलेज में था कॉलेज में मेरी स्कूल की बात है आई वाज डूइंग माय 10th एंड आई बॉट उस वक्त बैगी जीन्स का बड़ा फैशन था सो आई हैड फोर्स्ड माय मॉम सो बड़े पैसे बचा बचा के मैंने लिया था एंड सुपर एक्साइटिंग बिकॉज उस वक्त एक जीन्स खरीदना भी बहुत भारी पड़ता था तो या दैट वाज माय मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई स्टिल रिमेंबर यू नो दैट जीन्स आल्सो वाज अ लाइट जीन्स फेडेड बैगी स्टाइल तो आई हैड बॉट इट फ्रॉम बैंड्रा नॉस्ट्राडामस से तो दैट वाज माय फर्स्ट बाय व्हिच आई वाज सुपर एक्साइटेड अबाउट आई थिंक द जीन्स वाज फॉर अबाउट 300 बक्स बट यस या आई नो बट इट वाज डिफिकल्ट टाइम्स वो पहली बार व्हेन यू फेस्ड कैमरा पहली बार व्हेन आई फेस्ड कैमरा या दैट वाज अगेन आई थिंक टेस्टेड फॉर अ फिल्म बिफोर आई स्टार्टेड माय सीरियल्स का एक्चुअली सीरियल्स के लिए भी नहीं बट आई वाज डूइंग थिएटर एंड सर सेड के थिएटर के अलावा एक बार आप लोगों को कैमरा पे लेते हैं तो थिएटर के टाइम पहली बार आई फेस्ड कैमरा एंड आई वाज लाइक आई वाज टू नर्वस टू बी ऑनेस्ट जब वो फर्स्ट कैमरा में वो जो था एक अरे कहना क्या चाहते हो छोटा सा उन्होंने लाइंस दिया था एंड आई रिमेम्बर चार या पांच लाइंस थी सेकंड लाइन के बाद सो यस या आई हैव बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंस वो पहली बार व्हेन यू केम अक्रॉस योर फेक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया That I'm not really good at because मैं normally social media पे हुई नहीं and I know I have a couple of profiles there but they are all not mine and I don't respond to them also तो मुझे इस बारे में थोड़ा कम ही पता है वो पहली बार when you attended red carpet और क्या पहना था आपने अगर याद हो तो हाँ I had attended red carpet a very long time back actually 15 साल हो गए and I had worn a full black suit वो पहली बार when you got अपने पैसे से योर सेलफोन फेवरेट सेलफोन या दैट वाज वो पहली बार या दैट इज वन थिंग आई रिमेंबर बिकॉज़ पहली बार जब पैसे आए थे एंड ऑल एंड आई हैड बॉट अ सेलफोन इट्स बीन लॉन्ग टाइम बैक जब वो नोकिया के छोटे छोटे फोन आए थे आई थिंक 8310 था या कुछ था छोटे वाले जो थे नोकिया के दैट वाज माय फर्स्ट बाय एंड इट वाज एन अमेजिंग थिंग बिकॉज़ उस वक्त मैं अफोर्ड कर पाया था पर बहुत सालों के बाद एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु कीप्स चेंजिंग हिज सेलफोन्स एंड ऑल तो वो मेरे लिए फर्स्ट था एंड इट वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम So it was there with me for 2-3 years and obviously it's memorable for me because mere paiso ka le gaya tha. Wo pehli baar when you dated someone? When I dated someone, wo pehli baar, acha, it's college ke time. But not from my college. The girl was not from my college and she was from out of town also. I don't want to name her. I don't want to get into that because obviously it's my past. It's a long time back and she's obviously living a happy life. Ye bhi theek hai. Wo pehli baar when you had a hookup. Hookup is like what exactly? Please elaborate. What is your exact terms of hookup? हैंगआउट कर लिया बस हैंगआउट तो कॉलेज में भी करते थे हम फिल्म्स के लिए जाते थे विद फ्रेंड्स सो वी वेंट फॉर यू नो लंच वी वेंट आउट विद फ्रेंड्स फॉर मूवीज सो दैट वाज अ नॉर्मल हुकअप था क्या था उसमें कुछ ज्यादा था नहीं वो पहली बार व्हेन यू वेंट फॉर एन एब्रॉड ट्रिप ओह या विद माय ओन मनी आई हैड गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम टू थाईलैंड ये रहा नहीं जाता एंड
आई लव्ड इट बिकॉज खुद का पैसा था. आई वेंट टू सिंगापुर एंड बैंकॉक एंड आई हैड अ ब्लास्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई शॉप्ड एंड आई शॉप्ड एंड आई शॉप्ड एंड आई शॉप्ड एंड देयर वाज वन अमेजिंग ट्रिप विच आई कांट फॉरगेट. आई स्टेड इन द बेस्ट. I went to the best, so I really enjoyed. I wanted to see that kind of stuff. समझ रहे हो? वो पहली बार when you come to know that Kasauti made you a superstar. You know what is the surprising part is Kasauti के जब promos आ गए थे, we didn't know that it's going to do really well. But जब promos आ गए थे and I think जुहू पर मैं गया था natural ice cream में, I had just gone to have an ice cream and promos were out. And I didn't know that promos भी इतना effective है because I went out and people really grabbed me. He's the same guy who's coming in this new show. Matlab, right from the promo time, I was literally mobbed outside Natural Ice Cream. So it was a great experience. वो पहली बार when you come to know कि अब मेरा role कसौटी से खत्म हो रहा है. ऐसा कभी feel नहीं किया मैंने. I never felt like that. वो पहली बार when you received or written a love letter for someone. I received a couple of love letters. One love letter ever in my life. Yeah. I'm not very good at writing. I'm better at speaking out. वो पहली बार when you received भयानक वाला शादी का प्रपोजल फ्रॉम योर फैन. ओह देयर वाज वन फैन व्हिच वाज रियली आई थिंक उसके साथ ऐसा हुआ था. शी वाज अ हार्डकोर फैन एंड शी कट हर हैंड और समथिंग. ओह नो. एंड इट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी एक्चुअली. आई एक्चुअली गॉट स्केयर्ड एंड आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड हर सिस्टर कॉल्ड मी एंड शी सेड आपकी वजह से मेरी बहन है. उसे मैं क्या करूं, मैं तो जानता भी नहीं उनको. ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. So that was one scary moment for me. Here the segment, वो पहली बार खत्म होता है. कैसा लगा टेली चक्कर के साथ ये segment? Superb, I had a lot of fun. Yeah. It's easy for me to answer questions which are personal. तो आप मुझे normally अगर पूछेंगे तो मैं normally जवाब दूँगा. Really fun for me. Thanks a lot. Yeah. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी यादों में से आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो please comment on टेली चक्कर. And I'm sure that somehow I'll find a way to reply. Thanks a lot. Yeah. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.